और देखिए सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी योगी आदित्यनाथ के मुलाकातों का सिलसिला जारी है। योगी आदित्यनाथ ने आज सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। गडकरी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए और राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा यूपी चुनाव प्रभारी रहे अनुराग ठाकुर से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी से मुलाकात हुई, करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत चली। राष्ट्रपति से भी मुलाकात की योगी आदित्यनाथ ने, रामनाथ कोविंद से उन्होंने मुलाकात की, आधे घंटे से ज्यादा देर तक उन दोनों के बीच में बातचीत हुई। और अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के चुनावों में काफी सक्रिय रहे थे और उनके जो बयान थे, उनके जो नारे थे, वो काफी चर्चाओं में रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो कटाक्ष विपक्ष पर अनुराग ठाकुर ने किया था, वो कटाक्ष काफी पॉपुलर रहे थे, तो उनसे भी मुलाकात, अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने। तो देखिए यूपी के चुनावों में हार के बाद सियासी पार्टियों में खलबली मची हुई है। यही वजह है कि आरएलडी ने अपने सभी फ्रंटल संगठन को भंग कर दिया है और ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही 21 मार्च को पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों को लखनऊ में आरएलडी के प्रदेश कार्यालय पर बुलाया है, जहां पर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक का आयोजन किया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 21 मार्च को ही अपने सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया है। अब इस बैठक में हार पर चिंतन होगा या फिर भविष्य की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। लेकिन इससे पहले 12 मार्च को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी चुनाव में मिली हार के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए अपनी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं पर टीवी डिबेट में आने से रोक लगा दी थी। यूपी की सियासत से जुड़ी ये तीन बड़ी खबरें इन तीन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हैं मुख्य विपक्षी दल जिनमें अब खलबली साफ तौर पर देखी जा सकती है। और देखिए रालोद की ओर से ट्वीट कर क्या लिखा गया, आइए आपको ये बता देते हैं, जल्दी से दिखा देते हैं कि आखिर क्या एक्शन आरएलडी की तरफ से लिया गया है और क्या ट्वीट किया गया है। ट्वीट ये है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सिंह के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला व सभी फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के कहने पर ये किया गया है, ये ट्वीट किया गया है। इसके अलावा आगे लिखा गया है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की मौजूदगी में 21 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोकदल के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर आहूत की गई है। और वहीं देखिए ईवीएम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठा दिए हैं, ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा है कि ईवीएम कैसे भाजपा को जीत मिली ईवीएम से, ये सोचने का विषय है। ईवीएम पर राजनीतिक पार्टियां भी चिंतन करेंगी। बैलेट पेपर पर सपा 304 सीटों पर आगे थी, ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो कि कुशीनगर की फाजल नगर सीट से हार गए। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आखिरी मोमेंट पर वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा और अब ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम में बीजेपी को जोरदार जीत मिली है। चुनावों से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सर, पार्टी आपने सपा ज्वाइन की, परिणाम जिस तरीके से आए हैं, ये हुआ था कि ओबीसी का सबसे बड़ा नेता उनके साथ गया है, बड़े पैमाने पर ओबीसी वोट जो है बीजेपी को ही फिर से मिला है, परिणामों को कैसे देखते हैं? देखिए, जनमत जनता के सीधे ओर से देखा जाता है। जो बैलेट पेपर वोटिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है। ईवीएम में भाजपा कैसे जीत गई, ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। इस पर मीडिया के भाई भी चिंतन करें, हम लोग भी चिंतन करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी चिंतन करेंगी कि बैलेट पेपर में 304 पर सपा आगे, मात्र 99 पर भाजपा, ईवीएम मशीन में भाजपा आगे और जो सपा आगे थी वो हो गई पीछे। आप ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं उन्होंने तो इस पे कोई ऐसी बात नहीं कही शुरुआत में, जो ईवीएम के रखने की गड़बड़ियों को लेकर, क्या आप ईवीएम को गड़बड़ मान रहे हैं? अब कहीं ना कहीं कुछ खेल हुआ है। वो खेल क्या है,
इसी विषय में आपको ही पता करना, हमें भी पता करना। खेल के बाद अब चर्चा इस बात की है सर कि विधानसभा भेजने के लिए आपको करहल का रास्ता लिया जाएगा। मुख्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश जी, वो आजमगढ़ से सांसद बने रहेंगे, करहल में आप जाएंगे, ऐसी कोई चर्चा आपकी भी हुई क्या? इस बाबत में न कोई बात हुई है न मुझे कोई जानकारी है, और इसलिए जो बात हवा में तैरती है उसका मैं उत्तर देना व्यवहारिक नहीं समझता। स्वामी प्रसाद मौर्य करहल को लेकर अपनी राय रखने, जिस तरीके से चर्चा छिड़ी है कि करहल के माध्यम से विधानसभा पहुंचेंगे।